हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अपना यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो है हम लोग नया वीडियो लेके आए हैं, इंजेक्शन मोल्ड डिज़ाइन हम लोग मोल्ड विजेट के थ्रू बनाएंगे। काफ़ी ज़ोरों में क्वारी से आ रहा था, सर मुझे मोल्ड विजेट में मोल्ड बनाना सीखना है, मोल्ड विजेट में मोल्ड बनाना सीखना है। तो आज आपके लिए मैं मोल्ड विजेट में वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो वीडियो तो क्लास तक जुड़ी रहना है। और दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा ही प्यार दे रहे हो, ठीक है। आज सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया, सर मैं जयपुर से आया हूँ, मैं आपके यूट्यूब चैनल में रोज़ वीडियो देखता हूँ, मुझे आपसे बात करना है, मिलना है। मेरे ऑफिस में मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे बात किया है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं इतना ही बोलूँगा कि वीडियो के लास्ट तक जुड़ी रही है। इस वीडियो में कोशिश करूँगा आपकी जितना भी क्वारीज है आप फिल कर पाओ, ठीक है। और जो ये जो इस वीडियो को देखने सीखना चाहते हैं वो अपना साथ में लैपटॉप भी ओपन कर सकते हो, वीडियो को देख के आप पूरा मोल्ड बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो मेरा चैनल में नया है वो वीडियो को तो आप सब्सक्राइब करना ही है, और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी दबाना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है एक मेरा प्रोडक्ट है, ये आपके लाइट का प्रोडक्ट है, जो लाइट रिमोट होते हैं ना, तो रिमोट की वो है। इसमें अलग से स्लाइडिंग कंपोनेंट है, तो यहाँ से एक स्लाइडर है जो अभी हमने इसमें काम किया, अभी इसमें मार्केट में लॉन्च भी होने वाला है इसको। तो जो मेरा क्लाइंट है उसको थोड़ा बजट लो है, तो इसके लिए हम लोग स्लाइडर को रिमूव किया है, ठीक है। तो स्लाइडर के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, स्लाइडर कैसे बनाते हैं मोल्ड विजेट में, हम स्लाइडिंग वाइडिंग कैसे लगाते हैं, लिफ्टर वगैरह कैसे लगाएंगे, इसके एनिमेशन करते हैं आगे वाले वीडियो में, मैं इसको दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। तो फिलहाल के लिए हम सबसे पहले आपको देखना होता है दोस्तों, ये आप जैसे होम दबाओगे, एनएक्स में होम होता है, ठीक है। जो होम दबाओगे तो प्रोडक्ट कहाँ लाई कर रहा है, ये चीज़ आपको देखना, ये होता है जो अप कर्व के भी एक्सट्रैक्शन होंगे वो जेड की तरफ होना चाहिए, जैसे मेरा यहाँ पे जेड ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये मेरा गलत लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग मूव कराएंगे। मूव करने के लिए आप कंट्रोल टी शॉर्टकट दबाओगे, या नहीं तो आप जाके यहाँ पे मूव ऑब्जेक्ट मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सिंपली रोटेट करना है, पॉइंट लेना है, ठीक है। इनफर्ट पॉइंट ले लिया मैंने, -90 डिग्री मैंने लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, जैसे यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे मेरा बैटरी आएंगे एक, ठीक है ना, तो बैटरी को कवर करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मेरा दो रिले आएंगे, ठीक है। तो ये मेरा जो है रिब है, रिब को हम लोग ऊपर से जो मेरा रिब निकलेंगे, ये दोनों को यहाँ से जैसे मेरे यहाँ पे बोल्टिंग देखोगे, यहाँ पे स्क्रू से हम लोग लॉक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा कंपोनेंट है, और यहाँ पे जो मेरा स्लाइडर वाला पार्ट है इसको यहाँ पे ये लॉक हो जाएंगे, इसके लिए मैंने जगह बना के रखा हो ऑलरेडी, तो यहाँ लॉक हो जाएंगे, ऊपर से प्लेट आएंगे जिसके यहाँ पे ये फंस जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की हम लोग आज मोल्ड डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक जुड़ी रहिए। और दोस्तों देखो, मोल्ड डिजाइन करने से पहले ना मोल्ड के बारे में पता होना चाहिए, आप कौन से मटेरियल पे काम कर रहे हो, ठीक है, क्या क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम इसकी मोल्ड विजेट कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे मोल्ड विजेट की विंडो नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जाके एप्लीकेशन में जाना है, इसको ऑन करना है, ठीक है ना, तब आपको मोल्ड विजेट निकल के आएंगे। तो दोस्तों हम लोग जैसे मोल्ड विजेट करते हैं, हम लोग दो तरीके कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, बॉडी इनिशियलाइज कराऊंगा, उसके बाद आपको यहाँ पे देखो कौन सी मोल्ड लेना है, ठीक है, और मेटल कौन सी लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जैसे आप कोई मोल्ड विजेट इनिशियलाइज करते हो, यहाँ आपके ओनली जो है नाइलॉन ही अवेलेबल होता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे मैंने अपने नया लाइब्रेरी डाल के रखा हो, इसीलिए मेरा जो है नाइलॉन ABS PPO PS सब BC PPMS ठीक है, सब मटेरियल यहाँ पे मेरा देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लाइब्रेरी डाल के रखा हो। अब लाइब्रेरी जो है आपको अभी 8 जो है मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपको 10-12 आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा तो मेरा जो है एनएक्स में जो मेरा ID बन के रखा है वो क्रैश हो जाएंगे, ठीक है, उसको मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। जिसको भी चाहिए आप मुझे अपना मेल ID कमेंट पे डालिए, मैं उसको मेल कर दूँगा इसके, तब आपकी सभी जैसे आप मटेरियल है जो पैरामीटर है आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है ना। और कोशिश करिए कि सब NX12 में आइए, ठीक है, NX10 में बहुत कुछ चीज़ें नहीं हो पाते, मैं दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो NX12 में आप कोशिश करिए, NX12 में आइए। तो सबसे पहले जो मैं है यहाँ पे ABS लूँगा, जैसे मैं ABS के स्ट्रिंकेज आप यहाँ से भी ले सकते हो और इससे भी आप स्ट्रिंकेज ले सकते हो, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो जो स्ट्रिंकेज का फॉर्मूला होता है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे निकालते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा मोल्ड विजेट में कैसे बनाते हैं, क्या कैसे पैरामीटर कौन से करना पड़ता है, जैसे मैं स्ट्रिंकेज का फॉर्मूला बता रहा हूँ।
तो जैसे मैं ABS का मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टेस्ट ले रहा हूँ 0.6, ठीक है, उसको मैं डिवाइड कर दिया हूँ 100 से, एस डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा है मेरा 0.006, तो इसको प्लस कर दूंगा 1 से, तो मैं स्ट्रिंकेज वैल्यू जो है ये मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको ओके करना है। दोस्तों अगर आपकी स्ट्रिंकेज वैल्यू पता नहीं है तो मैं हर जितना प्लास्टिक मटेरियल है सबकी स्ट्रिंकेज जो है मैं डाल दूंगा लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, इसमें आपको हर प्लास्टिक मटेरियल का स्ट्रिंकेज वैल्यू, ठीक है, मोल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना इंजेक्शन प्रेशर के बीच में होना चाहिए, मैं वो लिस्ट डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, अब वहाँ से देख सकते हो क्या क्या चीज़ कितना मेंटेन होना चाहिए, मैं वहाँ पे डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब जैसे आप किसी पार्ट को इनिशियलाइज करोगे तो यहाँ पे एक नया विंडो खुल के आता है, विंडो में आप नया तीन सर जो है ड्राइंग देख पाओगे, क्या क्या ड्राइंग आता है, मॉडल क्या होता है, ये अलग अलग टॉप व्यू फ्रंट पार्टिंग लाइन, यहाँ पे जैसे मैं अभी करते जाऊँगा इसके कोड निकल के आएंगे, KBT निकल के, अलग तरीके से आपको 10-12 विंडो निकल के आएंगे। तो अब जो फाइल सेव करना कोई एक फोल्डर पे सेव कर लो जहाँ से आप सभी फाइलें वहाँ पे सेव हो जाए, अभी जो है ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, जैसे हम करेंगे उसके बाद ये बनते जाएंगे। अब दोस्तों आपने क्या क्या बनाया, क्या क्या है आप यहाँ पे पार्टिंग नेविगेटर से आप देख पाओगे, तो यहाँ पे जैसे मेरा वर्क पीस हाइड है, इसको आप शो हाइड भी ऐसे कर सकते हो पार्टिंग नेविगेटर से, ठीक है। तो जिसको भी ऐसे सीखना है मेरा वीडियो देख के पूरा सीख सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है मोल सीवाइस को हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है, मोल सीवाइस को हम सेट करना है तो आप ऐसे YZX लॉक पोजीशन भी कर सकते हो, ठीक है, जिसको लॉक करना है आप यहाँ से भी लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से आप कर सकते हो लॉक, ठीक है, मैं इसको Z नहीं करना है, मैं इसको बनना होगा, ठीक है, इसको मैं लॉक कर दिया हूँ, तो मैंने इसको सेंटर पे ले आया हूँ, ठीक है, लाइक इस तरीके से मैंने इसको सेंटर ले आया है, ठीक है। अब जैसे ये मेरा एक्चुअली ऐसे ये जो मेरा है फैमिली मोल्ड है, तो मैं फैमिली मोल्ड बनाना आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो फैमिली मूल के लिए हम लोग दो फैमिली लेते हैं, यहाँ पे फैमिली मूल ऑन करना पड़ता है, अभी इसमें एक ही प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बनने के बाद दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें फैमिली मूल लगाते हैं, गैप वगैरह करके हम इसको यूनिट पूरी करते हैं, तो बताऊँगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग को स्टेप आता है उसके बाद, जैसे मैंने यहाँ पे मुझे लेना है वर्क पीस, ठीक है ना, वर्क पीस में आपको ये लेना है, सबसे पहले जो वर्क पीस है आपको यहाँ पे वर्क पीस में कितने कितने वर्क पीस लेना है। देखो दोस्तों कभी कभी हम जो है इसको साइज सेंस करना पड़ता है, लेकिन हम साइज सेंस नहीं कर पाते, तो इसमें डबल क्लिक करके अब आप वैल्यू डालना भी चाहोगे तो आप नहीं डाल पा रहे हो, तो इसको आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है, मैक कॉन्स्टेंट करना है, जैसे मैं यहाँ पे 50 डालूंगा, तो लाइक इस तरीके से आप वैल्यू सेंस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू सेंस कर पाओगे। तो मैं जितना है पहले जितना था मैं यहाँ पे इतना ही डाल देता हूँ, 23.4596, तो लाइक इस तरीके से आप सेंस कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके एक्स वैल्यू जो आपकी कोर की बीटी है, एक्स कितना कितना प्लस में चाहिए, कितना माइनस में चाहिए, कहाँ पे ऊपर कितना रहेंगे, नीचे कितना रहेंगे, आप देख पाओगे इतना, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर दिया हूँ, ठीक है, तो इतना आप देख पाओगे, तो यहाँ पे आपकी इतना चीज जो है आपका आ जाएंगे, तो ये आप देख पा रहे हो आपकी जो है वर्क पीस आगे है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो चीज़ है सेक रीजन करना है आपको, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जो है रीजन सेक करेंगे, ठीक है। रीजन सेक में आपको सबसे पहले जाना है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो है आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे फिर आपको जाना है जो आपकी फेस है ऑल पॉजिटिव ग्रीन में आएंगे, जो यहाँ पे आप सेट करके सर्च देखते हो, ठीक है। इसके आपको अगर ट्रांसपेरेंसी सेंस करना है तो आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी आप सेंस कर पाओगे, ठीक है। नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में आप सेंस कर पाओगे यहाँ पे भी, जैसे आपको रीजन जाना है इसको कलर सेट कर दो, जैसे इसमें कलर सेट करोगे तो इसमें आप देख पाओगे कोर में क्या आएंगे और KBT में क्या आएंगे। तो कोर KBT मैंने सेट कर दिया, लेकिन अभी भी मेरा जो सारा फेस है वो अंडर डिफाइंड है, अभी मैंने इसको डिफाइन नहीं है क्या ये कोर में जाएंगे KBT जाए, तो इसको आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना होता है। अभी ये जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये मेरा आएंगे कोर में, और जो मेरा ये वाला कलर है ये मेरा आएंगे KBT में, तो ये जो मैं है कोर में लूँगा मैं, ठीक है, तो इसको मुझे कोर में लेना है, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें एक चीज़ क्या होता है, कहीं अगर किसी जगह में ड्राफ्ट नहीं होता है ना तो ये थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है हम, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव फेलू है, तो कंप्यूटर फिल्म में कोई कंफ्यूज हो जाता है कि इस स्पेस में मेरा ड्राफ्ट नहीं है, तो इसलिए नहीं ले पा रहा है कि कोर में है कि KBT में है, ठीक है। तो हर चीज़ में आपको ड्राफ्ट लेके चलना है, कभी भी पार्ट डिजाइन करोगे प्लास्टिक पार्ट में तो ड्राफ्ट तो कंपलसरी होना ही होना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको जो है कोर में ले जाऊँगा,
स्कोर इसको सिलेक्ट करूँगा लाइक इस तरीके से, ये भी फेस में सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको फोर में ले गया। अब देखिए मेरा कलर चेंज हो गया है। अब जो है मुझे यहाँ पे दो जो फेस है मेरा अंडर डिफाइन है ये वाली, तो इसको मैं जो है केबीटी में ले जाऊँगा दोनों फेस को, तो मेरा स्टार फेस जो है मेरा कवर हो गया। अब देखो यहाँ पे कोई भी अंडर डिफाइन कलर में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे जो है ओके कर दूँगा। अब दोस्तों आप देख पाओगे मेरा जो ये पीस बन के आया है तो ये मेरा सही से है और सारी तरफ से फुल्ली डिफाइंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों इसकी पार्ट सर्वे, जहाँ पे होल वगैरह होते हैं इसको आपको फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग फेस लेंगे तो किसी मैनुअली फेस से लेकर के इसको आप फिल कर सकते हो। अगर बॉडी लोगे पूरी बॉडी में जितना भी होल है ऑटोमेटिकली लाइक इस तरीके से फिल हो जाएंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेल आए, यहाँ पे आप फिल कर पाओगे। अगर आपको ट्रांसफर लेना है तो आपको इसको मैनुअली करना पड़ता है, लाइक इसमें क्लिक करके आपको मैनुअली करना पड़ता है। ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है तो मैं जो है बॉडी करूँगा, मैनुअली नहीं करूँगा, सबको एक साथ करना है मुझे। तो अप्लाई कर दूँगा मैं यहाँ पे, देखो आप मेरा फिल हो गया है, ठीक है दोस्तों। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फिल हो रहा है। तो मेरा जो है दो होल था जिसमें मैंने पैच कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पैच करना होता है। कभी कभी क्या होता है कई ऐसा गैप होता है तो आपको पैच ओपनिंग वगैरह जो एनएक्स में ऑप्शन आते हैं यहाँ से भी आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है ना, पैच ओपनिंग। तो यहाँ से भी आप कहीं कभी जगह में आपको इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपके डिफाइन रीजन, डिफाइन रीजन में आपको देखना ये होता है कि कोर में क्या है, केबीटी में क्या है, ठीक है ना। अभी मैंने कोर केबीटी ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर चुका हूँ, तो आपको सिंपली इसको ऑन करना है, ठीक है। तो इसको जैसे ऑन करोगे यहाँ पे पार्टिंग लाइन वगैरह जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है पार्टिंग लाइन हम देख पाएंगे, रीजन जो है वेरीफाइड हो जाएंगे। तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। जैसे अप्लाई करोगे यहाँ पे आपको ग्रीन लाइन, ग्रीन जो है एरोसिन मिल जाएंगे, इसमें मतलब इंडिकेट करेंगे कि आपका सब कुछ ओके है। यहाँ पे आपने पार्टिंग लाइन जो है देख पा रहे हो, लाइन से बन के आए हैं, तो यहाँ पे आप पार्टिंग लाइन देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है इसको हमको लेना होता है सरफेस, ठीक है। सबसे जो मूल विज़र्ट में दिक्कत आता है पार्टिंग सरफेस लेने में, क्योंकि जिसको समझ में आता है कि कौन से मुझे पार्टिंग लाइन लेना होता है वो तो बना ही लेते हैं, लेकिन पार्टिंग सरफेस में बहुत दिक्कत होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ पार्टिंग सरफेस का, वो आपको ज़िंदगी भर यूज़ होंगे और वो जो तरीका है आप कैसे भी पार्टिंग सरफेस में आप निकल सकते हो, ठीक है। थोड़ा मैं अलग तरीके से बताऊँगा। तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पे पार्टिंग मैंने जो वन है, तो मेरा ओवरऑल जो बन बन के आया है इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं रिबन एडिटर से मैं अगर बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो एक चारों तरफ से मेरा ये बन के आ जाएंगे लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो मैं जो है तरीका अलग से यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा डायरेक्शन जो नीचे की तरफ है हर अलग अलग डायरेक्शन में ले जाऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पार्टिंग लाइन है जो आपने 14 पार्टिंग लाइन आ रखा है उसको आप से भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको जाना है एडिट पार्टिंग सेगमेंट में, इसको गाइड को सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैन्युअली सिलेक्ट करना है आपको, फिर आपको एडिट गाइडलाइन करना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं इसको नीचे की तरफ सिलेक्ट करूँगा, और ध्यान रखें ये आपकी स्ट्रेट डायरेक्शन में हो दोस्तों, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में आपको आना चाहिए, सिमिलरली लाइक इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेट आना चाहिए, अगर स्ट्रेट नहीं आएंगे दोस्तों ये आपको दिक्कत करने वाला है। ये आपको जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेट किया, आपको स्ट्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रेट नहीं होता तो इसमें थोड़ा बटिंग में डिफरेंस दिक्कत आता है, ठीक है। तो हम जो इसको स्ट्रेट रखेंगे, सिमिलरली जो ये मेरा ये है तो इसको भी आपको जो फैक्टर सिलेक्ट कर लिया मैंने गलती से, तो ये जो फैक्टर रहेंगे यहाँ पे आपको यही रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे। नेक्स्ट जो लाइन आएंगे मेरा ये आएंगे, ये भी तेरह होंगे आई थिंक, इसको भी स्ट्रेट करना है आपको। नेक्स्ट जो है लाइन आएंगे आपकी ये आएंगे, ठीक है, स्ट्रेट है ऑलरेडी, आप ऊपर से भी देख सकते हो ये स्ट्रेट ही है। अगर स्ट्रेट नहीं है तो आप स्ट्रेट कर सकते हो, रिवर्स डायरेक्शन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपकी ये आएंगे, ये भी स्ट्रेट ही है आपके। नेक्स्ट जो आएंगे आपकी ये है, ये स्ट्रेट नहीं है, आपको स्ट्रेट करना है, रिवर्स डायरेक्शन कर दो आप इसमें। नेक्स्ट जो सरफेस सिलेक्ट करना है आपको, ये सरफेस सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसको भी आपको डायरेक्शन सही देना है, ठीक है ना, रिवर्स डायरेक्शन कर दो। ये आपको एक जो है पार्टिंग सरफेस जो है बन के जो है आ गया है ना।
तो इसको आपको सिंपली अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपकी बन के आ गया है। अभी जो है आपको अलग तरीके से एक चीज़ बनाना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या बनाना होता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो ये चीज़ बन गया है आपके, है ना। तो नेक्स्ट जो है आपको पार्टिंग सरफेस बनाना है, जो पहला वन है तो मेरा ओवरऑल सरफेस है वो बनाऊंगा नहीं मैं, इसको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे बाउंडेड सरफेस लेके बना रहा हूँ। देखो हर एक सरफेस का अलग अलग काम होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बाउंडेड लेके बनाऊंगा। एक होता है एक्सट्रूड, सीधा आप एक्सट्रूड कर सकते हो, एक स्वाइप होता है स्वाइप कर सकते हो इसको। ठीक है, किसी सरफेस को एनलाइज भी कर सकते हो यहाँ पे जहाँ पे कम हो रहा है आपके। ठीक है, किसी को एक्सटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, किसी को रिबन बिल्डर से, जैसे मैंने पहला वाला जो मेरा सेगमेंट है, जो मेरा ये वाला सेगमेंट है, इसको हम रिबन बिल्डर से भी बना सकते थे। तो मैं रिबन बिल्डर से नहीं बनाना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हर एक चीज़ करके कि आप भी इसमें देख पाओ। तो मैं सिंपली यहाँ पे बाउंडेड प्लेन ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पहला वाला बाउंडेड प्लेन ले लिया है, जो दूसरा वाला बाउंडेड प्लेन वो भी मैंने ले लिया। अब तीसरा वाला बाउंडेड प्लेन मैंने यहाँ बनाया है, फिर मेरा आया चौथा वाला बाउंडेड प्लेन। तो यहाँ पे जैसे आप जल्दी जल्दी कर रहा हो, आपको समझ आ रहा है कि, तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके भी आप लगा सकते हो। जैसे मेरा ये से है, इसको सिलेक्ट करके इसको क्लिक करके आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट जो मेरा बाउंडेड प्लेन बन के आएंगे ये है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा मैनुअली करके दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे ये मेरा 7 वाला है, इसको मैं एक्सट्रूड से बनाऊंगा। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने, फिर उसके बाद आपको डायरेक्शन देना है इस तरफ। डायरेक्शन मैंने लगा दिया यहाँ पे, फिर आपको ओके करना है। नेक्स्ट जो आपकी जो पार्टिंग लाइन आएंगे बनके, तो मेरा ये है, इसको भी मैं मैन्युअली करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं डायरेक्शन दूँगा, फिर ओके अप्लाई करना है आपको। ठीक है, लाइक इस तरीके से आप एक एक चीज़ को मैन्युअली बना पाओगे दोस्त। ठीक है, तो जैसे मैंने इसका मेरा डायमेंशन अलग था, देखो यहाँ पे मैंने जैसे एक्सट्रूड करूँगा मेरा लाइक 77 mm समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है मैंने इसको डायरेक्शन एक बार देखा रहता हूँ, फिर इसको लाइक इस तरीके से मेरा डायरेक्शन में है 77 mm। इसको डबल क्लिक करके आप सेंड भी कर सकते हो, सेंस भी कर सकते हो। ठीक है, और ये जो मेरा बाउंडेड वाला है वो भी मेरा ये, लेकिन मेरा बाउंडेड वाला ज़्यादा है। ठीक है, बाउंडेड मैंने ज़्यादा करके रखा हो, तो अब इसको आप अपने हिसाब से सेंस कर सकते हो। बट ध्यान ये रखना है, जो आप बॉडी बनाओगे, मैंने माउस से मैंने स्क्रॉल को हिट करके भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो आप जैसे बॉडी बनाओगे, ठीक है, सेगमेंट वन को मैंने नहीं लेना है, सेगमेंट वन को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, तो जो आप जैसे बनाओगे, तो इसकी जो ये आपका बाउंड्री है, जो आपकी वर्क पीस है, इसकी अंदर आपकी सरफेस रहे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैंने सारे सरफेस को मैंने यहाँ पे सेगमेंट कर दिया है। कोई एक दो सरफेस जो ज़रूरत नहीं होता है, इसको आप हटा भी सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसको ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखो दोस्तों, एक ऑप्शन आता है एडिट पार्टिंग सरफेस। किसी सरफेस सरफेस को एडिट करना होता है तो आप सिलेक्ट करके इसको एडिट कर पाओगे। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे बाउंडेड प्लेन लेंगे, मैं कंट्रोल जेड कर दिया हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लूँगा फिर डिफाइन कर्विटी, तो इसको क्लिक करना है और सरफेस को सिलेक्ट करना है आपको, और कैविटी में लेना है, कोर में लेना है, जितना भी सिलेक्ट करोगे आप यहाँ पे अप्लाई करना है आपको ऑल रीजन में। देखो दोस्तों, आप देख पा रहे हो ये मेरा जो है कोर बन के आया है, ये मेरा कोर है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा क्या चलेंगे, यहाँ पे जो है थोड़ा सरफेस का इशू आ रहा है ग्राफिक्स का, तो यहाँ पे जो है मेरा इलेक्ट्रोड बनेगा। ठीक है, कटिंग के लिए, तो बाकी सब मेरे CNC हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे मेरा, जो ये कोर बन के आएंगे, ये मेरा कैविटी बन के आएंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको ओके करके सेव कर लेता हूँ। एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जैसे आप इनिशियलाइज करते हो तो आपके अलग अलग जो सरफेस बन के आते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये मेरा पार्टिंग सरफेस है, ये मेरा कैविटी है ना, ये मेरा कोर है, टॉप है, टॉप मोल है, मतलब असेंबली पूरा रहेंगे इसमें। ठीक है, अब ये मेरा जो है कोर पार्ट है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था आपको अलग अलग से निकल के आता है। तो अगर आपको असेंबली में काम करना है तो आपको यहाँ पे टॉप में जाना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको असेंबली बन गया यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके आप कोर के भी निकाल सकते हो। इसमें गाइड पिलर गाइड बूस्ट वगैरह लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो गाइड पिलर गाइड बूस्ट के लिए। ठीक है ना, और इसको आपको अगर इसकी आपको केबीटी लेआउट वगैरह बनाना है, ठीक है, तो आप केबीटी लेआउट भी बना सकते हो। फिर आपको केबीटी लेआउट वगैरह बनाने के लिए हम यहाँ से केबीटी लेआउट बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए जो है वीडियो है इतना ही है। तो आप कमेंट में मुझे बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। अगर इसको मोशन वगैरह करके दिखाना है, हम यहाँ पर रन सिमुलेशन भी कर सकते हैं।
ठीक है। और जैसे मल्टी मोल वगैरह, मल्टी की वेटी मोल वगैरह बनाना होता है तो हम वो भी आपको बता अगले वाला वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट करिए, पूछिए, अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेंगे तो मैं मल्टी की वेटी मोल बना के दिखाऊंगा, और इसमें अलग अलग से मैं जो कूलिंग चैनल है, ठीक है ना, मैं कूलिंग वगैरह लगा के दिखाऊँगा आपको, स्लाइडर वगैरह की भी मोल आऊँगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलेंगे तो। तो इस तरीके से आपको जो सब चीज़ आपको बन के आ जाता है, ठीक है। तो कोर केविटी लाइक इस तरीके से आप मोलबीज अच्छे बना सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया इतना आप लोग प्यार दे रहे हो, ठीक है। कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं लिंक इन की डिस्क्रिप्शन में इसकी स्ट्रिंकेज वैल्यू डाल दूंगा, जो हर मेटल का कौन से मेटल का इतना स्ट्रिंकेज होते हैं, कौन से हम स्ट्रिंकेज वगैरह यूज़ करते हैं, क्या क्या होते हैं। और जिसको इसको लाइब्रेरी चाहिए अपना अपना ईमेल आईडी कमेंट पे कर दीजिए, मैं इसको लाइब्रेरी दे दूँगा, वहाँ से आपको हर मेटल पे आप काम कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।